गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं कक्षा 10 में कविता पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है फसल। और इस कविता के कवि हैं कवि नागार्जुन। कवि नागार्जुन ने फसल कविता में फसल के बारे में बताया है कि ये फसलें किस तरह बढ़ती हैं, लहलाती हैं और अनाज उत्पन्न करती हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे फसल कविता। पहला पद है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर। तो कवि नागार्जुन ने इस पद में तीन चीजों पर प्रकाश डाला है। पहला है नदियों का पानी, दूसरा है हाथों की स्पर्श की गरिमा और तीसरा है खेतों की मिट्टी। पहले पंक्ति में कवि ने कहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो ये जो फसल है, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कहने का अर्थ यह है कि इन फसलों को नदियों के पानी के द्वारा सींचा जाता है और इनके सिंचाई में एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, किंतु हजार हजार नदियों के पानी के द्वारा इनको सिंचित किया जाता है। देश में बहुत सारी नदियां हैं, कई नदियां हैं, इन नदियों के पानी को खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और इनसे फसलें उपजती हैं। आगे है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। यहाँ पर कवि ने कहा है लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। लाख लाख का अर्थ होता है बहुत सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों करोड़, कोटि कोटि का अर्थ होता है करोड़ों करोड़। तो लाखों लाख, करोड़ों करोड़ किसान और मजदूर दिन रात मेहनत करते
समय में ये खेतों में बीज डालते हैं, सिंचित करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो इस तरह किसानों और मजदूरों के स्पर्श की महिमा है, गरिमा है ये फसल। आगे कवि ने तीसरा तत्व बताया है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहते हैं कि ये जो फसल है ये भूरी मिट्टी में, काली मिट्टी में, संदली मिट्टी में, संदली का अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। तो ये जो फसल है ये विभिन्न तरह की मिट्टी में उपजती है। कोई मिट्टी का रंग भूरा होता है, किसी मिट्टी का रंग काला, किसी का संदली। तो ये जो मिट्टी है ये भूरी काली संदली मिट्टी में उत्पन्न होती है, उन मिट्टी का गुण और धर्म इन फसलों में समाया हुआ है। आगे कवि बताते हैं चौथा तत्व, रूपांतर है सूरज की किरणों का। ये सूरज की किरण, सूरज की किरण फसल के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर सूरज का किरण इन फसलों के ऊपर नहीं पड़ेगा तो ये विकसित नहीं होंगे। सूरज के किरणों की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये फसलें भी सूरज की किरणों के द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं और ये बढ़ती हैं। तो रूपांतर है, रूपांतर का अर्थ होता है उन फसलों का तैयार होना। ये पहले उगते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर उनमें फसल लगती है। तो इस तरह ये रूपांतरित होते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। तो सूरज की किरण इन फसलों के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आगे भूमिका अदा करती हैं।